أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum. Today we are starting with our next novelette, Meatless Days by Sara Solari. In the beginning, we will discuss her life and some of the salient features of Meatless Days as a writing. Dear students, here we meet again another expatriate, Sara Solari, in this writing that is called a novelette by this expatriate lady. She is the daughter of a famous Pakistani journalist, English journalist especially, Z.D. Solari, who was very much devoted to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Pakistan Times editor and a very good writer in the newspapers. Therefore, her grooming as a child was steeped in English language, especially the journalistic view is to be found in her writings. That is the sketchy view of writing. Here in this very novelette, that is Meatless Days, we will elaborate this point later on in our next questions. First of all, let's have a brief look at her early life as a woman writer of Pakistani English literature. M.S. Solari was born in Pakistan, grew up in Lahore, graduated from Kinnaird College. Kinnaird College, you know, a college known for the daughters of the elite class. And Z.D. Solari surely belonged to the elite class. Did her master's in English from Punjab University and a doctorate from Indiana University, America. She encapsulated memories of her Lahore childhood in her creative memoir, Fragmented Diary, based on memories, Meatless Days, 1989. बेटे यहाँ पे पहले ही नुक्ते में जो है वो इसको कैटेगराइज कर दिया गया है और बहुत ही दो तीन नुक्ते जो हैं वो एक ही जुमले में जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं जो आपकी बेस हैं पूरे इस नावल की और आपकी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो इवॉल्व करेंगे और तमाम सवालों में आपको मदद देंगे. ये तीनों नुक्ते इनको आपने जहन में रखना है. पहली चीज़, एक तो बेटे ये मेमोरीज़ हैं उसकी चाइल्डहुड की और पूरी ज़िंदगी की जो उसने इकट्ठी कर दी हैं इस क्रिएटिव राइटिंग में, जिसे मेमोयर या फ्रेगमेंटेड डायरी बेस्ड ऑन मेमोरीज़ कहा जा सकता है उसकी ज़िंदगी की, मीटलेस डेज की शक्ल में. अगरचे वो क्लेम करती है कि ये एक नावल है, बट इट इज़ नॉट ए नावल इन द क्लासिक सेंस, इन द फॉर्मेट ऑफ अ नावल. इट इज़ रादर ए कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड मेमोरीज बाई द राइटर अबाउट हर चाइल्डहुड, अबाउट हर अडल्टहुड, अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर फैमिली, स्पेशली अबाउट हर फादर होम शी आइडियलाइजेज एज अ मैन. ये याद रखिएगा. एट द हार्ट ऑफ विच वर द ट्रेजिक एक्सीडेंट्स दैट किल्ड हर मदर एंड सिस्टर. फर्दर मोर, एज द डॉटर ऑफ द इमिनेंट जर्नलिस्ट ज़ेड सोलेरी, शी ऑब्जर्व्ड पोलिटिकल इवेंट्स एंड पोलिटिकल ओपिनियंस बींग फोर्ज्ड फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स एंड वोव द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इन टू हर नेरेटिव हेयर एंड देयर. बट बेसिकली शी इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद पोलिटिकल हैपनिंग्स, रादर शी गिव्स दैम ए बैकग्राउंड टू हर memories only. Her main concern is the depiction of the family relationship of her own family, of her children, of her husband, of her father especially. The main focus of this novella, of this memoir, is the father's personality, her father Z.D. Solari.
तो बेटे तकरीबन तमाम तहरीर के अंदर यहाँ कहाँ जो है वो सिर्फ अपने फादर की पर्सनैलिटी पर फोकस करती हुई मिलती है, और स्पेशली इसके जो दो चैप्टर हैं टोटली दे आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ मिस्टर सुलेरी, हाउ ही वेंट टू इंग्लैंड लंदन एंड हाउ ही मेट हर मदर, मदर ऑफ एम एस सुलेरी, सारा सुलेरीज मदर, ए लेडी फॉरनर लेडी मैरिड हर, ब्रॉट हर टू पाकिस्तान एंड देयर व्हाट शी हैड टू फेस हेयर एज अ लेडी, एज अ फॉरनर लेडी। तो ये बेटे इसकी बचपन की यादें जो हैं उनका पहले तذکرہ है, लेकिन ये सारी चूँकि फ्रेगमेंटेड है तो यादों के अंदर यादें जो हैं वो जंबल हुई हुई हैं, ये कोई तरतीब नहीं है, सीक्वेंस कोई नहीं है, याद रखें जैसे नॉवल में होता है कोई बिगनिंग मिडल एंड, वो वाली कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। देर इज़ नो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देर इज़ नो सीक्वेंस ऑफ टाइम स्पेस और एनीथिंग एल्स, नो अरेंजमेंट ऑफ एनी काइंड, वट एवर कम्स टू हर माइंड शी जस्ट पोर्स इट डाउन ऑन द पेजेस। जो वो चीज़ जहाँ उसके जहन में आती है वो वहीं उसको शुरू कर देती है बगैर देखे कि इसका कोई सियाको सबाक बनता है कि नहीं बनता है। बस ये इसकी खसूसियत में से सबसे अहम खसूसियत ये आपको सारे सवालों में याद रखने की है। माई डियर स्टूडेंट्स, दिस बुक दैट इज़ द मीटलेस डेज इज़ रिकग्नाइज्ड एंड रिमेंबर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज इन द लिटरेरी वर्ल्ड टूडे। Most of the people, the critics, take it as a memoir rather than a full-fledged novel, although it has been labeled as a novel, especially Tariq Rahman, a famous Pakistani critic, calls it a memoir. The book was remarkable for the quality of Suleri's prose and her use of metaphor to define chapters. And not only marked an important milestone in Pakistani English literature, but is now one of the classical texts of South Asian English literature as well. But is basically recognized and appreciated as a very well-knit memoir, not a very well-knit novel at all. Sara Suleri lives between Maine and New Haven. And has recently published another accomplished memoir, Boys Will Be Boys. This is another attempt, we will talk about it later. A daughter's elegy about her journalist father. In this brief facts interview with Newsline, she answers a few questions about her books and tells to the interviewer, "My novel is that. The novel is not about getting inside, but is about showing what happened without explanation, with no introductions. This is called open novel nowadays." इसको बेटे जो है वो हदूदों को युद्ध से कैद से आज़ाद, जैसे बेटे वो नज़में मुर्रा होती थी और आज भी है, जिसे हम आज़ाद शायरी कहते हैं, फ्री वर्स, जिसमें कोई राइम स्कीम रिदम का ध्यान नहीं रखा जाता, बस जस्ट ख्यालात को लिख दिया जाता है नज़म मुर्रा की शक्ल में। इसी तरह ये नावल जिसे वो कलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ कहते हैं, ये भी ऐसे ही है। इसमें कहीं कोई सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा जाता, कोई इंट्रोडक्शंस नहीं दी जाती, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दी जाती, बस जस्ट वाक़यात जो हैं जैसे भी ज़िंदगी में रूनमा हो रहे हैं उनको कलेक्ट कर दिया जाता है हैपहैज़र्डली, विदाउट एनी बॉदरिंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ एनी काइंड। And she herself accepts this deranged or fragmented shape of her collection of memories. Dear students, Sara Suleri Goodyear, Goodyear is the name of her husband. Memoir, Boys Will Be Boys, ye dusri bete uski collection hai, A Daughter's Elegy, is a slim volume, chota sa hai, a nostalgic ट्राइब्यूट टू हर लेट फादर, और इसमें सारे का सारा जो है वो अपने वालद साहब को फोकस किया है इसने, ज़िया अहमद सुलेरी, ज़ैडे सुलेरी, शी हैज़ रिफर्स टू हिम एज पिप। यहाँ भी इस नावल में भी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये जो मेमोरीज़ की कलेक्शन है, इसमें भी वो अपने फादर को पिप ही कहती है, और ये उसने अपनी तरफ से एक कंप्रेशन किया हुआ है, इसको एब्रीविएशन किया हुआ है दो अल्फाज से,
एक उनकी पैट्रियटिज्म टूवर्ड्स कंट्री, पिप एक पी जो है फर्स्ट पी, और दूसरी जो है प्रीपोस्टरस। ये प्रीपोस्टरस ऐसे बंदे को कहते हैं जो हर अकल की बात के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाए, मतलब हट धर्म टाइप किस्म का, बड़ा ज़िद्दी किस्म का प्रीपोस्टरस। तो ये कायदे आज़म से बड़े करीब थे और कायदे आज़म से बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान थे। आपको पता है पाकिस्तान टाइम्स हमारा वो पहला पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है जिसे ये एजाज़ हासिल है कि तख्लीक पाकिस्तान के वक्त भी ये ज़िंदा अखबारों में से एक था। तो यहाँ जो है जैद सुलेरी जो है वो कायदे आज़म के एक बहुत बड़े फ़ैन हैं और करीबी चाहने वाले हैं, तो इस वजह से ये दोनों पीस जो है ना वो इकट्ठी करके उनको पॉप कहने की बजाय ना, जैसे मॉडर्न बच्चे कहते हैं पापा या पॉप, उनको वो पिप कहती हैं। तो शी इज़ अ लर्नर लेडी, श्योरली शी हैज़ गॉट अ ग्रूमिंग, किताबें ही किताबें चारों तरफ उसके घर में अबू की वजह से। अबू खुद जो है वो अंग्रेज़ी लिखने वाले एडिटर हैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के, और ज़ाहिर है अंग्रेज़ी से उनका साबका बड़ा ज़बरदस्त है। द बुक हैज़ अ रैम्बलिंग स्ट्रक्चर, फिर वही जैसे हमारे मीटलेस डेज का है तो बॉयज़ विल बी बॉयज़ जो है इसका भी ऐसे। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है बेटे कि ये जो बॉयज़ विल बी बॉयज़ इसने नाम लिया ना, ये जेड सुलेरी एक इससे कहा करते थे और बच्चों से अपने से कहा करते थे कि मैं भी एक किताब लिखूँगा जिसका नाम होगा कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो वो मुझे मौका नहीं मिला, ही डाइड। तो इसने फिर अपने बाप की ये जो ख्वाहिश थी उसको जो है वो मुकम्मल किया, बॉयज़ विल बी बॉयज़ की शक्ल में एक छोटा सा मेमोयर लिख के। तो स्ट्रक्चर इसका भी वैसे ही है जैसे ये मीटलेस डेज का है, रैम्बलिंग स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। रेमिनिसेंसेस टम्बलिंग एल्टर शेल्टर फ्रॉम अ स्टफ्ड अलमीरा एज द ऑथर पिक्स एंड चूजेस फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ बिटर स्वीट मेमोरीज, बिटर वही चीज़ें हैं। तो ये रेमिनिसेंसेस हैं जो उसकी यादों की अलमारी से जो है वो टम्बल करती हुई जो है वो बस हमारी ये उसकी बिटर स्वीट मेमोरीज जो हैं, कुछ तलख कुछ मीठी कुछ शीरें कुछ खट्टी मीठी यादें जिन्हें आप कहते हैं बिटर स्वीट मेमोरीज, उनका एक मजमुआ है। ईच चैप्टर इज़ प्रीसीडेड बाई ए लाइन और टू ऑफ उर्दू पोइट्री हेयर समटाइम्स इकबाल, जैसे आपने वो ट्वाइलाइट इन दिल्ली पढ़ा है वहाँ भी उर्दू पोइट्री का सहारा लिया गया है, यहाँ भी समटाइम्स इकबाल समटाइम्स मोमन। आल्दो सुलेरी हैज़ एन ऑब्वियस प्रीफरेंस फॉर गालिब दैट सेट्स द टोन फॉर दैट पर्टिकुलर एसे, मज़ामीन की शक्ल में छोटे छोटे हिस्से बनाए हुए हैं। द बुक फॉलोज नो क्रोनोलॉजिकल और इवन थीमेटिक पैटर्न, यहाँ भी यही है, आप ये जुमले जो हैं वह बिल्कुल यहाँ भी कोट कर सकते हैं, ये मीटलेस डेज के लिए भी करेक्ट है यही चीज़ कि यहाँ भी कोई क्रोनोलॉजिकल तरतीब नहीं है ना ही थीमेटिक पैटर्न है कोई। इट रिमाइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए गज़ल वेयर एवरी शेर, सुलेरी फाइंड्स द इंग्लिश टर्म कुपलेट अनसेटिस्फैक्ट्री, तो वो शेर ही कहती है गज़ल के हर शेर को, तो एक गज़ल की मानद ये किताब है। इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ विद लिटिल ऑब्वियस कनेक्शन टू द अदर एक्सेप्ट इन ए जनरल थीमेटिक वे, इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू फाइंड द नैरेटिव जंपिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन टाइम बाय सेवरल ईयर्स इन द सेम स्पेस ऑफ ए फ्यू लाइंस। तो बेटे जंपिंग तो है यहाँ रैम्बलिंग स्ट्रक्चर की वजह से, तो ये इसका दूसरा मरूफ कोशिश जो है वो भी मीटलेस डेज ही की तरह से एक रैम्बलिंग स्ट्रक्चर अनक्रोनिकल टाइप अनथीमेटिक टाइप ऑफ पैटर्न, तो वही जो है वो रिमिनिसेंसेस माजी की यादें हैं, नॉस्टैल्जिया है, और खसूसन फोकस जो है वो जेड सुलेरी की लाइफ है। डियर स्टूडेंट्स, वी फाइंड सारा सुलेरी एज एन ओबीडियंट चाइल्ड इन हर राइटिंग्स, व्हेन शी टॉक्स अबाउट हर फादर शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, शी इज़ इफ शी कंप्लेन्स अबाउट समथिंग हेयर एंड देयर इन सम लाइन्स हर कंप्लेंट अगेंस्ट फादर इज़ वेरी ग्रेसफुल, नेवर गोइंग आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ हर ओबीडियंस, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू नोट दैट इन स्पाइट ऑफ हर ग्रूमिंग एज अ वेस्टर्न चाइल्ड लिविंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी शी हैज़ गॉट द लिमिट्स ऑफ फैमिली लाइफ, शी रिस्पेक्ट्स रादर अडोर्स हर फादर, एडमायर्स हिज पर्सनैलिटी
intellect and his intelligence, and that is to be found in all her writings, not only in Meatless Days but also in all other writings of her as a writer. Dear students, as we have noted that the predominant feature of Meatless Days is the admiration of the writer for her father. The second thing that we come across while reading this collection of memories is the comic vision of the writer that prevails in spite of the bitter memories she elaborates and narrates here and there in pieces. The comic vision is about very small things of life, very, very small things, food items, family conversations with Dadi, with her sisters and other members of her family. These are not laughter type of things, but they're very light hearted type of hints here and there, and they are to be found in almost everywhere. On each page you will find some memory that is related to some lighter mood. Whenever she feels that she is going to be gripped by grief or overwhelmed by grief, she resorts to this comic vision of hers and gets a comic relief, rather, as in tragedy you say. तो बिल्कुल बेटे, जब वो देखती है ना कि वो जो दास्तान बयान कर रही है दुख भरी, अपनी वालदा के दुखों की या अपनी बहनों की मौत की, वो भी मनाजर हैं दो तीन, एक बड़ी बहन की मौत और एक और जिस तरह से वो उन्हें एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा, तो इसके साथ साथ जो है ना, जैसे ही वो देखती है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आई कैन नॉट राइट फर्दर, तो वो फौरी तौर पर अपनी जो है वो मेमोरी को कॉमिक रंग देना शुरू कर देती है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट रिलेट करती है जो फौरी तौर पर उसको जो है वो कॉमिक रिलीफ की तरफ जो है वो ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस कलेक्शन ऑफ मेमोरीज दैट इज मीटलेस डेज इज रियली a wonderful, really wonderful collection of memories, and it is timeless indeed. It is about all ages, it is about all countries, it is not related to Pakistan only, it is also that she jumps from Pakistan to London, from London to America, and from many other places. Here and there she roams, rather, from region to region, from country to country, from place to place. That is what it makes the writing a timeless, a spaceless type of writing, that it has got no boundaries or limits of any land, language. She just rambles here and there like a wild animal. As a writer, she just thirsts through her memories and writes about her feelings, the inner feelings. Although she claims that she is not related to inner feelings, but all memories, you know, come out of our heart, and that is what makes this writing a very beautiful writing. That is the reflection, or you may say the autobiographical touch, that makes this novelette or this collection of memories a very beautiful collection indeed. A mirror to her life, a mirror to her own life rather. ये उसकी ज़िंदगी का आईना है बेटे, और बड़ा खूबसूरत आईना है जिसमें वो बड़ी शफाफियत के साथ उसने अपनी पूरी फैमिली लाइफ को जो है वो डिस्कस किया है, और बड़ी खूबसूरती के साथ कि किस तरह से एक ऐसी मिक्स फैमिली जो फॉरेन मदर, पहली माँ जो है वो इनकी फौत हो गई थी, तो ये दूसरी माँ से भी चार पाँच बच्चे जो है वो जो आयरिश लेडी थी, तो ये बहरहाल वो बेचारी इधर ही आके पाकिस्तान में इसके साथ रही। बिल्कुल वो भी एक अच्छी राइटर थी खातून, तो वो इनकी शख्सियत से मुतासर होकर जैद सुलैरी से साथ ही आई। तो ये बड़ी पूरी तफसील के साथ फैमिली लाइफ को पूरी तरह से एलैबोरेट करना, अपने बच्चों का जिक्र करना,
फिर एक बड़ी तफसील से इसने अपनी एक बहन के बच्चों की विज़िट जो है अमेरिका में अपने घर पर, उसको बड़ी खूबसूरती से एलैबोरेट किया है कि वो कैसे वहाँ जाकर चीखम दाड़ मचाते हैं और रात को जब सुकून होता है तो दोनों बहनें मिलकर फिर कैसे घंटों हो जाए वो बातें करती हैं। तो दिस इज़ ए वेरी डेलिकेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, किस तरह से जो है वो बहनों का दरमियान में क्या रिश्ता होता है और बहनें किस तरह से एक दूसरे की जो है वो सहेलियाँ जो है वो प्यार करने वाली दोस्त बन जाती हैं और वो एक दूसरे दुख दर्द कैसे शेयर करती हैं। दिस इज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी थ्रोबिंग टू रीड। तो पढ़ता हुआ बंदा जो है वो इसमें अब्जॉर्ब भी हो जाता है बाज़ औक़ात, अगरचे वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं अनोयंस का सामना करना पड़ता है जब वो एक ज़हनी तौर पर हम वो कनेक्शंस जो है ना ढूंढना शुरू करते हैं रीडर के तौर पर कि ये वाक़या कहाँ जाकर कनेक्ट होता है तो कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन वो अगर हम उनको इंडिपेंडेंट वाक़यात को पढ़ते जाएं तो बड़ा मज़ा देते हैं। जैसे ये अपने मरूफ पाकिस्तानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ इस तरह की तहरीर में बड़े माहिर हैं, उर्दू राइटर हमारे, वो इस तरह की मेमोरीज़ जो हैं वो सियाहत के सिलसिले में लिखा करते हैं। उनकी बहुत सी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, पढ़ने से तलक रखती हैं, बड़ी मज़ेदार तो सैर व सियाहत पर लिखते हैं, लेकिन वो भी इसी तरह से फ्रेगमेंटेड मेमोरीज़ लिखते हैं, लेकिन उनका तो भी तर्ज़ तहरीर उर्दू में बहुत खूबसूरत है, बहुत आगे की तहरीर होती है। यहाँ भी बहरहाल चूँकि मीडियम ऑफ जो राइटिंग है वो इंग्लिश है तो आम कारी के लिए तो नहीं है ना, आपको पता है ये ओनली द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड कैन नो द रियल सेंस कि क्या इसमें उसने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, क्या सिंबल्स हैं। तो अभी हम लेटर ऑन इसका जायज़ा लेंगे इन डेप्थ, अभी तो हम इसको महज एक क्रिटिकल व्यू इसका देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस कलेक्शन ऑफ मेमोरीज इज़ ए विविड पिक्चर ऑफ फैमिली लाइफ इंडीड। और बेटे ये जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, यूँ कह लें कि एक घर की, एक खूबसूरत घर की एक खूबसूरत तस्वीर है ये मीटलेस डेज, तो ये गलत नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द होल इन दिस कलेक्शन ऑफ मेमोरीज द प्रोज द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ सारा सुलेरी इज वेरी एलिगेंट, वेरी पिथी एंड फ्लूइड। यू मे नॉट फाइंड एनी hurdles here while reading this collection of memories. Her writing, her prose flows like water. She uses common everyday type of words and vocab, neither caring for difficult words or vocabs from the elite class or something. She uses words from everyday life, common life. Especially her words and phrases and idioms from bazaar, from food articles are very interesting. She uses even Urdu equivalents to English in the same sense. She calls dadi dadi, never translates it in English. Somewhere she uses many Urdu words to clarify her affiliation with the culture she is living in. Dear students, as we have already mentioned that her father was a very dedicated man to Pakistan and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and was a very very lion-headed or a very stout man as a person. Her father's personality has been elaborated time and again in these memories by her, and she just relishes to elaborate the personality, then to narrate the events of the life of her father, and especially his love for printing, love for newspapers, love for writing, love for Qaid-e-Azam, love for Pakistan, and this is what we may say, the love of a daughter for her father at its best. तो बेटे अगर हम इस तहरीर को यूँ कहना चाहें मुख्तसर एक फ्रेज़ में कि ये मीटलेस डेज जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है एक बेटी की सच्ची मोहब्बत अपने बाप के लिए, रिस्पेक्ट और एलिक्वेंट टाइप ऑफ डिवोशन टू फादर जो है वो हमें यहाँ दिखाई देती है।
Dear students, this collection of memories is an amalgam of joy and sorrow, love and loss, life and death. You will find both the strands here. There are sorrows and joys intertwined, intermingled here. She regrets the loss of many near ones and dear ones, friends, family members. But on the other side, she also relishes the atmosphere, the surroundings, the lovely natural beauty, and her relations to her sisters, especially to her father, to her mother. And that is what we call it, an amalgam of love and loss, life and death. Dear students, Sara Suneri has been called a very skilled, a very expert miniaturist. She never leaves small details out. She always relishes to give very small details, a detailed discussion. छोटी छोटी बातों को बेटे बड़ी तफसील से बयान करने का फ़न, इसे हम मिनिएचर कहते हैं. छोटी छोटी तस्वीर कशियाँ करना बड़ा मुश्किल काम होता है. छोटे से वाक्य को जो है वो पूरे कैनवस पर फैला देना, तो ये जो है बड़ा ज़बरदस्त, इसको आप अप्रिसिएशन कह सकते हैं कि वो उसने बड़ी खूबसूरती से जो है वो छोटे छोटे वाक़यात को बड़ी खूबसूरती से जो है वो अपनी तहरीर का हिस्सा बनाया है, और इसी तरह से जो है वो यादों को इकट्ठा करके हमारे लिए एक कलेक्शन जो है वो फराहम की है. डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द क्रिटिकल व्यूज अबाउट हर राइटिंग एंड अबाउट हर एज ए राइटर आर वेरी इंटरेस्टिंग टू बी नोटेड. ऑल्दो शी हैज़ नॉट गेन्ड सर्टन क्रिटिकल अक्लेम येट, बट ऑन द होल सम ऑफ द राइटर्स, द क्रिटिक्स, Kamila Shamsi especially, a very good short story writer herself, says about her, some of the more heart-shaking writing about love and grief I have ever read. This is about Meatless Days. और आगे फिर उसकी बेटे इसने तशरीह की हुई है ये सारी इसी ये Kamila Shamsi की, और ये पढ़ने से तलक रखती है ज़बरदस्त. The heart-breaking, hopeful and profound book that will get under your skin. तो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, और बड़ा इतने अच्छा इसको एवेल्यूएट किया है धीरे धीरे, और कहीं कहीं जज्बाती ये जुमला जो ना आखिरी, ये क्रिटिकल तो नहीं है ना कहा जा सकता, ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है एक क्रिटिक की. क्रिटिक को हमेशा इम्पार्शल होकर क्रिटिसिज्म करनी चाहिए. ये एक जज्बाती जुमला है कि हार्ट ब्रेकिंग, होपफुल एंड प्रोफाउंड बुक दैट विल गेट अंडर योर स्किन. तो बहरहाल ये एक ऐसे ही आप इसको देखिएगा कि ये क्रिटिक्स के कुछ इसके बारे में व्यूज़ हैं, स्पेशली दो तीन ही अभी यहाँ हैं. अभी हम डिटेल में जब जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको तफसील से डिबेट करेंगे. न्यू स्टेट्समैन मैगजीन स्टेट्स अबाउट दिस मीटलेस डेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज एन अवोकेशन ऑफ फैमिली लव विद ऑल इट्स शार्पनेस, पेन एंड नीड, मीटलेस डेज इज ऑलमोस्ट फॉल्टलेस. और ये बहुत बड़ी प्रेज है, देखें बहुत बड़ी प्रेज है, मीटलेस डेज इज ऑलमोस्ट फॉल्टलेस. तो किसी लिटरेरी मैगज़ीन का इस तरह से किसी तहरीर के बारे में ये क्लेम करना कि ये ऑलमोस्ट फॉल्टलेस तहरीर है अपनी तरह की, जिसमें जो है वो थीम्स जो हैं देखें वो क्या हैं, फैमिली लव है और पेन और नीड और ये सारा कुछ है. तो बेसिकली तो फैमिली लव जो है ना ये इसकी हमें इन मेमोरीज़ में थीम नज़र. तो ये बहुत बड़ी एक प्रेज़ है फ्रॉम क्रिटिक्स. तो बेटे Although there is no sequence of events, देखो वही बात वो जो हमने शुरू में की थी उसका ज़रा ये कह लें कि जिस्ट है एक तरह से आपको इम्तहानी नुक्ता नज़र से मदद देने के लिए. नो प्लाट, नो बिगनिंग, नो मिडल और नो प्रॉपर एंड, लाइक ए क्लासिकल नावल, लाइक अ ट्रेडिशनल नावल यू मे से, येट इट इज़ अ वेरी फाइन कलेक्शन ऑफ राइटर्स स्कैटर्ड मेमोरीज ऑफ हर ओन लाइफ, हर फादर एंड हर फैमिली. इट इज़ इम्प्रेसिव इन इट्स नरेशन एंड सडन चेंजेस ऑफ टाइम एंड स्पेस. Thank you very much everybody for participating in Tuesday's discussion. See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.